चार बरस के बाद स्कैंडल क्वीन वीना मलिक अपने शौहर के साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंची। शादी के बाद पहली मर्तबा वतन पहुंचने पर वीना मलिक पर उनके मद्दाहों ने गुलपाशी की और उन्हें गुलदस्ते भी पेश किए गए। वतन लौटने पर वीना मलिक जज्बाती हो गई, कहने लगी दूर रहने के बाद वतन से मोहब्बत बढ़ जाती है। मेरा दिल बहुत ज्यादा धड़क रहा है और मैं कंट्रोल कर रही हूँ कि मैं रोऊं नहीं क्योंकि ये वो लम्हा था शायद जिसका मैंने एक एक लम्हा इंतजार किया। और मेरा अपना देश है और आई थिंक मैं अपनी खुशी लफ्जों में बयान नहीं कर पा रही हूँ कि इस जमीन पर कदम रखते साथ ही मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। अदाकारा का कहना है कि वो पाकिस्तान के लिए काम करना चाहती हैं। जल्द इंसानी हुकूक की आलमी तंजीम के साथ मिलकर पाकिस्तान में काम करेंगी। मैं किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान में कॉन्ट्रीब्यूट करूँ, यही मेरी तमन्ना है। चाहे वो शोबिज हो, चाहे वो चैरिटी हो, हम बहुत जल्द इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के साथ मिलकर बहुत कुछ करने की तमन्ना लेकर पाकिस्तान में आए हैं। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह ताला एंटरटेनमेंट के थ्रू मैं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करूं। अदाकारा वीना मलिक और उनके शौहर असद खटक का कहना है कि वो मुल्क में मुस्बत तब्दीली के ख्वाहिशमंद हैं।